तो हेलो दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें कुछ कारणवश वीडियो वहीं थोड़ा थोड़ा अधूरा रह गया। मैं उसी को मैं इस वीडियो में मैं पूरा करता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो बनाए थे वो वीडियो कुछ कारणवश बंद हो गया, पॉज हो गया था, इसीलिए मैं पुनः उस वीडियो के साथ साथ मैं ये वीडियो भी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ। इसीलिए चले वही वीडियो पे, मान चलिए वही वीडियो है, आपको दो वीडियो देखना पड़ेगा, आपको दो वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखें, फर्स्ट नॉलेज क्वेश्चन जो बताए थे हम, जिन छात्रों ने पहला वीडियो देखे हैं उस उन छात्रों ने फिगर्स देखते ही समझ गए होंगे कि कौन सा कंबाइन में कॉम्बिनेशन है। कौन सा कंबाइन में कॉम्बिनेशन है भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बताए हैं, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C = C1, C2 और C3। थोड़ा बिहार बोर्ड को इम्प्रेस करने के लिए हमको इससे पहले एक लाइन क्या लिखना है वो देख लीजिए। यहां से लिख दे, इसको हटा के चलो, तो देखिए C1, C2 और C3। तो क्या करना है, लेट C1, C2 एंड C3। चूंकि C1, C2 एंड C3 आर कंबाइंड इन कौन कॉम्बिनेशन कंबाइंड है? कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन कंबाइंड है भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और 1/C = C1 का मान भी 6, C2 का मान भी 6 और C3 का मान भी 6। तो 1/6 + 1/6 + 1/6 6 इस तीनों का लॉसा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा मेरा? 6 ही होगा। 6 में 6 से डिवाइड कीजिए तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही होगा। और 1/C = 3/6, 3 × 1 = 6। इसीलिए C = 2 फराड। समझे टुकड़ा कहां से आया? ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, और C को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए CN होगा। यानी कि कैपेसिटर का ऐसा यूनिट फराड होता है। कैपेसिटर कैसा यूनिट फराड होता है, क्योंकि मैं पहले की पहला वीडियो में बता चुका हूँ कैपेसिटर पे थोड़ा कुछ मुझ बात, जो बेसिक बात है कैपेसिटर का। और अगर डिटेल में पढ़ना हो तो सिलेबस मेरा पढ़े, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा सिलेबस पे। तो ये समझ में आ गई होगी बात फर्स्ट का, तो फर्स्ट का हो गया मेरा। और सेकंड का इसको वीडियो पॉज करके नोट जरूर करें, वीडियो पॉज करके नोट जरूर करते चलें। अब सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, ये भी बेसिक बात है, ये मैंने न्यूमेरिकल का जीरो लेवल है, इसको आप न्यूमेरिकल का जीरो लेवल मान के चलिए, क्योंकि अभी ये सब बिहार बोर्ड कम पूछता है। और आपको ये सब पता नहीं होगा तो बड़ा बड़ा हिसाब कैसे बनाइएगा आप? नहीं, बड़ा बड़ा हिसाब इसमें भी क्या करना है हमको, इसको मान लीजिए C1, C2 और C3। तो बिहार बोर्ड थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, चूंकि C1, C2 and C3 are combined in parallel combination। कौन सा कंबाइंड कॉम्बिनेशन है भैया? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा फॉर्मूला क्या होता है भैया? आपको पता होना चाहिए कि C = C1 + C2 + C3। कैपेसिटर फर्स्ट प्लस कैपेसिटर सेकेंड प्लस कैपेसिटर थर्ड। अब देखिए C = C1 का मान 12 + C2 का
एट प्लस सी थ्री का फाइव, सी इक्वल टू बारह अड़तीस पांच पच्चीस, 25 फराड। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब बताइए, हम आपको एक बात बोले थे, क्या बोले थे, जो भैया ये सी जो होगा इससे अगले वाला वीडियो में, अगले वाला वीडियो पहले देखें उसके बाद ये वीडियो देखें। जब अगले वाला वीडियो, जब थ्योरी का वीडियो आपने पढ़िएगा तो ये वीडियो आप अच्छे से, इसके लिए मैं सॉरी समझ आता हूँ कि एक साथ में वीडियो नहीं बना पाया, समझ आता हूँ, फिर अगले बार से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। दोस्तों देखिए, ये सी जो है मेरा, ये सी वन से बड़ा है कि छोटा है, यानी कि सी क्या है, बड़ा है मेरा सी वन से। पुनः सी जो है मेरा सी टू से भी क्या है, बड़ा है। पुनः फिर सी जो है मेरा सी थ्री से भी बड़ा है। यही मैं बात बताना चाहता था। देखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो निकल के आएगा वो सी वन सी टू और सी थ्री तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पे बंद करता हूँ, और एक क्लास के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से केवल मैं एक क्लास लूंगा, वो कल लूंगा, और कल के बाद कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं कल खत्म कर दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, टाटा।